वो नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जागर शर्मा और आज जो है मेरे पास में MIA3 की एक इंडियन यूनिट वाला वेरिएंट जो है वो है। ये वाला वेरिएंट वही है जो कि आपको amazon.com.in के ऊपर जो है वो मिलेगा और यही वाला वेरिएंट जो है वो ज़्यादातर कस्टमर्स के हाथ में जाएगा, इसीलिए मैं फटाक से इसको जो है वो अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो MIA3 जो है वो डब्बे के अंदर से जो है वो बाहर निकल चुका है। आगे की तरफ जो है वो MIA3 जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया नंबर वन MI का लोगो यहाँ पर है। 48 megapixel AI ट्रिपल कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की तरफ तीन कैमराज हैं, साइड में भी MIA3 और एंड्रॉयड 1 का लोगो बना हुआ है। और अगर मैं पीछे की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिपल कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमोलेड डिस्प्ले और 32 megapixel AI सेल्फी कैमरा। तो वाकई में देखने वाली बात है कि इस वाले फ़ोन के अंदर इतने ज़्यादा बजट होने के बाद भी एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आपको देखने को मिलती है। मैंने इसकी सील्स जो हैं वो खोल दी हैं और फ़ोन जो है वो अनबॉक्स हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो आगे की तरफ अपने एक नॉर्मल सा स्लैब देखने को मिलता है और अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर से आपको बैक कवर जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रांसपेरेंट सा कवर जो है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो फ़ोन है जो कि मैंने वाइट कलर के अंदर मंगवाया है। इसके पीछे भी वो रेनबो वाली फिनिश है जो कि नोट 10 के अंदर आपको देखने को मिलती है। और मैंने स्टार्ट कर दिया है फ़ोन को। अगर मैं साइड की बात करूं तो फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं और एक पावर बटन देखने को मिलता है। और इधर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सिम इजेक्टर ट्रे जो है वो देखने को मिलती है। नीचे की बात करूँ तो फिर यहाँ पर आपको स्पीकर्स और USB Type-C है। और ऊपर की बात करूँ अगर मैं तो फिर यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से सरप्राइजिंग है क्योंकि हेडफोन जैक जो है इन लोगों ने MIA2 के अंदर से हटा दिया था। अगर हम बॉक्स के और अंदर की बात करें तो फिर यहाँ पे आपको एक USB Type-C की केबल देखने को मिलती है और एक चार्जर जो है वो देखने को मिलता है। अब कुछ भी बॉक्स के अंदर नहीं बचा है, अपन फोन के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं इस वाले फोन को फटाक से सेटअप कर लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो वाकई में काफी ज्यादा शानदार वाला एंड्रॉयड 1 एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आपको पिक्सल वाला जो है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से नॉर्मल स्टॉक एंड्रॉयड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और सर फोन का रिव्यू जो है वो चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। अगर मैं बात करूँ कैमरास की तो फिर यहाँ पे नॉर्मल आपको Redmi K20 वाली कैमरा की UI ही देखने को मिल रही है, MIUI वाली। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। आगे वाला कैमरा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू Redmi K20 Pro, उसका वाला कैमरा आगे वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। स्मार्टफोन की चिन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पे आपको टीयर ड्रॉप नॉच भी जो है वो देखने को मिल रही है। एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी स्क्रीन को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जो है वो नहीं करा गया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटे ब्लैक बॉर्डर जो है वो छोड़े गए हैं। बट ओवरऑल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की तरफ कोई सा भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है क्योंकि वो डिस्प्ले के अंदर है। मैं सर फोन का रिव्यू जो है बहुत ज्यादा जल्दी चैनल पर डालूंगा, इसे सब्सक्राइब कर लेना, सर चैनल को बेल आइकन दबा देना और स्टे ट्यून रहना इसके रिव्यू के लिए। दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।